तो आपके पास भी ऐसे नेगेटिव फिल्म्स बेकार पड़े हैं? फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। तो चलो देखते हैं कैसे इसको इसमें बदलना है, वो भी अपने मोबाइल से। तो नजरें स्क्रीन पे। पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करके दो ऐप्स इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट ऐप जो है वो है फिल्म बॉक्स। फिल्म बॉक्स को सिंपली आप प्ले स्टोर में सर्च कर लो, उसके बाद आपको सामने ये ऐप मिलेगा। आपको सिंपली इस ऐप को ही डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ऐप है वो है रेमिनी। रेमिनी का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, या तो आप इधर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने इधर सर्च किया है, और ये वाला ऐप सिंपली आपको टचअप के लिए इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो रेमिनी ऐप तो डाउनलोड हो गया है। अब हम चलते हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद फिल्म बॉक्स ऐप को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके इसका जो सेटअप है वो कर लेते हैं। तो आपको बस ऊपर का स्किप बटन बार बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर एक और ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको गॉट इट कर देना है। गॉट इट करने के बाद आपका स्कैनर रेडी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए, बैकलाइट के लिए आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक ही फ़ोन है अभी के लिए, तो मैं इसके लिए लैपटॉप का यूज़ करूँगा। आपको सेम स्टेप फ़ोन में भी करना है। आप बस क्रोम या ब्राउज़र खोल लो, उस पर सर्च कर लो एक वाइट बैकग्राउंड या वाइट इमेज। तो वाइट इमेज मैं ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस पर जाके हम सिंपल जो है वो कर लेंगे, सिंपल वाइट। तो उसके बाद हम पूरे स्क्रीन में वाइट कर लेंगे। अब फिल्म को लेंगे और स्क्रीन के आगे प्लेस करेंगे, बट स्क्रीन से थोड़ा दूर पकड़ना होगा ताकि अपना कैमरा उसको फोकस कर पाए। अब फ़ोन में जाएंगे और फ़ोन में ओपन कर लेंगे हमारा फिल्म बॉक्स। उसके बाद हम स्टार्ट स्कैनिंग पर क्लिक करेंगे, और सामने आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा स्कैनर का। अब लेंगे फिर से फिल्म को। फिल्म को एकदम हमारे लैपटॉप या फिर कोई भी स्क्रीन के सामने आपको प्लेस करना है, और उसको ऐसे अलाइन करना है। सेम ऐसे अलाइन करोगे तो आपका जो इमेज आएगा वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आएगा। तो अब अलाइन करने के बाद आपको परफेक्ट शॉट ले लेना है अपने कैप्चर बटन को होल्ड करके, जैसे मैं कर रहा हूँ। होल्ड करोगे तो आपका कैप्चर हो जाएगा, और कैप्चर होके एकदम डायरेक्ट क्रॉप होके आपके सामने ऐसा इमेज आ जाएगा। तो आपको देखने के लिए नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो ही आपको इमेज मिल जाएगा। इसको क्लिक कर लो, और आप देख ही सकते हो कितना अच्छा इमेज आया है, वो भी अपने नेगेटिव से। आप देख सकते हो ये था नेगेटिव और ये है हमारा इमेज। अब इसको सेव कर लेंगे। ऊपर शेयर का बटन है, शेयर के बटन के क्लिक करने के बाद आपको इसको टिक कर देना है, और नीचे आपको सेव का बटन मिल जाएगा। आपको सेव को बटन के क्लिक करने के बाद इसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपको सेव टू दिस डिवाइस कर लेना है। अब अलाउ कर देना, बस आपका सेव हो जाएगा। अब फाइनल टच ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे रेमिनी का। रेमिनी को ऑन कर लेंगे, और हमारा जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, इनहेंस प्लस और इनहेंस। आपको इनहेंस प्लस पे क्लिक करना है, क्योंकि इससे हमारा इमेज जो है और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप देख लो जो इमेज है वो इतना अच्छा हो गया है, देख ही सकते हो आप। अब आपको सेव पे क्लिक करना है, और आपका काम खत्म, पूरा ऑल डन।